नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। और मेरठ शहर में दिन पर दिन बिगड़ती स्थिति जिस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है वो शायद आपको पसंद ना आए। ये पहली नहीं बल्कि पिछले एक सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना है जिसने प्रशासन और पुलिस दोनों की नींव को हिला कर रख दिया है। स्थिति इतनी ज्यादा हाथ से निकलती जा रही है कि अब अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा। हालांकि जनता की सेवा में नियुक्त हुए ये अधिकारी अगर पहले अपनी जिम्मेदारी समझ लेते और सड़क पर आ जाते तो परेशानियों का सही हल ढूंढा जा सकता था। लेकिन मेरठ में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब हालात बस में नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से मेरठ में सांप्रदायिकता का जहर घुलने वाला है या इसकी तैयारी की जा रही है। प्रहलाद नगर से बहुल्य परिवारों के पलायन की खबरों से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन अब एक और बड़ा मसला अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बीते दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस को लाठीचार्ज जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल मॉब लिंचिंग के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जबरन बिना परमिशन जुलूस निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झारखंड में हुए तबरेज अंसारी कांड की चिंगारी से मेरठ में तनाव की आग फैल रही है। हालातों के मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की नासमझी का नतीजा है कि शहर में रविवार को इतना बड़ा बवाल हुआ। आज मेरठ में हालात ये है कि पुलिस अथवा प्रशासन एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो जनमानस में अपनी अलग पहचान रखता हो, अलग शख्सियत रखता हो और लोगों की नब्ज पर हाथ रख सके। इनका व्यवहार पूर्णतः अफसरशाही पर केंद्रित है जो खतरे का संकेत माना जा सकता है। सर, धारा 144 शहर में लागू है, इतना बड़ा मजमा कैसे इकट्ठा हो गया, क्या इलाका तंत्रफेल हो गया? देखिए, बिना परमिशन की एक रैली एक जगह पर की गई थी, पुलिस ने नोटिस भी इशू किया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए। पुलिस इसको संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगी, जो लोगों ने किया है उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी। पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस कॉज हुआ है पुलिस उसका भी संज्ञान ले रही है, उसमें भी कार्रवाई करेगी। सर, जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किया गया है, जिस तरीके का जम के धक्का मुक्की हुई है, देखिए जो भी चीज़ हुई है उसका संज्ञान लिया जा रहा है। अभी इस तरह की बात तो संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अगर वो भी रहेगी तो उसको भी देखा जाएगा। गौरतलब है कि शहर में बढ़ते अपराधों से शहरवासियों का अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन पिछले 7-8 दिनों में जिस खबर ने सबसे ज्यादा तहलका मचाया है वो है प्रहलाद नगर के वांछितों का पलायन। क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र पाहवा का आरोप है कि कुछ युवा अल्पसंख्यकों की गुंडागर्दी और बहुसंख्यक समुदाय की युवतियों को निशाना बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते प्रहलाद नगर छोड़ छोड़ कर लोग अन्यंत्र जा रहे हैं। ऐसा कुछ ही अवधि में नहीं हुआ, लेकिन करीब 150 परिवार प्रहलाद नगर छोड़ चुके हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि पलायन जैसा कुछ नहीं है, लोग बेहतर घर की चाह में यहां से अन्यंत्र जा रहे हैं। बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन इस हालात और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई इस शिकायत का असर यह हुआ कि दोनों संप्रदायों के बीच तनातनी बढ़ गई, एक दूसरे को आशंकित नजरों से देखा जाने लगा है। हालांकि ऐसे हालात केवल प्रहलाद नगर में नहीं बल्कि शहर की भौगोलिक स्थिति पर नजर डाली जाए तो दोनों संप्रदाय ही कबीलाई संस्कृति में बढ़ गए हैं, यानी अल्पसंख्यक एक जगह तो बहुसंख्यक दूसरे इलाके में। एक कड़वा सच ये भी है कि जो लोग अल्पसंख्यकों में है वो घर औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। प्रहलाद नगर के बाद अन्य इलाकों से भी आवाज पुरजोर तरीके से सामने आ रहे हैं। और अब दूसरी घटना, झारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज अंसारी की घटना के बाद यहां मॉब लिंचिंग के खिलाफ माहौल बनना तेज हो गया। शनिवार को पुलिस की तरफ से शांति मार्च करने वालों को साफ बता दिया गया कि इस तरह के आयोजन से शहर की शांति को खतरा पैदा हो सकता है, लिहाजा इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। रविवार की सुबह भी बता दिया गया, लेकिन आयोजक जैसे अपनी तैयारी में लगे हुए थे। 4 बजे से जुलूस निकलना तय था, लेकिन सुबह से ही फैज आम कॉलेज में अल्पसंख्यक लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। ये बात प्रशासनिक अफसरों को और पुलिस को बराबर पता थी, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। 4 बजते-बजते वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई, तब आयोजकों द्वारा बताया गया कि प्रशासन ने शांति जुलूस की इजाजत नहीं दी, लिहाजा शांति मार्च स्थगित किया जाता। यानी जिस तरह की परिकल्पना पहले से की जा सकती थी वैसा ही हुआ, उन्मादी युवा नहीं माने और जुलूस शुरू हो गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए, करीब 2 किलोमीटर तक का फासला तय किया। जब जाकर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को होश आया, रास्ते में उन्हें जब रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस ने
उन्मादी युवकों को रोका, लेकिन भीड़ तीखी झड़प में तब्दील हो गई। रास्ते में उन्हें जब रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस से उन्मादी युवकों की तीखी झड़प हुई। खाकी से डंडा छीन लिया गया, इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सांप्रदायिक जहर का दंश लंबे अरसे तक झेलने वाले मेरठ में ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने आयोजकों समेत बड़ी संख्या में लोगों को नामजद करते हुए संगीत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। रात करीब 3 बजे जियो धारकों के मोबाइल पर नेट बंद करने का भी मैसेज आ गया। बहरहाल भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही शहर में तनावपूर्ण स्थिति और तनावपूर्ण शांति अभी भी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।